हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में कातली की बाजू डिजाइन बताऊंगा। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कातली की बाजू डिजाइन बनाने के लिए ये मैंने डोरी बना दी है। इस प्रकार से हमें पहले डोरी बना देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रकार का पेपर फिजिंग ले लेना है। ये जो पेपर फिजिंग है ये 7.5 इंच चौड़ा है और आप चाहे तो 8 इंच ले सकते हैं, 8x8 इंच का है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। इसके बाद में जो हमें बाजू पे डिजाइन बनानी है, तो ये हमारी कातली है, इसमें हमें डिजाइन बनानी है। इसके लिए हमें क्या करना है, ये पेपर फिजिंग है, इसका जो बाजू का जो पेपर फिजिंग दोनों एक साथ में हम कट कर लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार से डबल कर देना है, इसके बाद में एक और डबल कर देना है, ये देखिए। और बाजू के आगे हम मगजी नहीं अटैच करेंगे, आप चाहे तो मगजी अटैच कर सकते हैं, मैं इसमें फ्रिल अटैच कर दूंगा, आप बोलो तो जलरी भी बोल सकते हैं, वो हम अटैच करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से ऐसे डबल कर देना है। इसके बाद में ये जो डिजाइन बनाएंगे वो 6 इंच की लंबाई में बनाएंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड में मार्जिन छोड़ देना है, ये देखिए 1-1 इंच दोनों साइड मार्जिन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, 6 इंच है तो इसको आधा कर देना है, 3 इंच में मार्क कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, ये देखिए। इसके बाद में इस निशान को और इस निशान को आपस ऐसे मिला देना है, ऐसे तो हल्की सी गोलाई देते हुए, ये देखिए इस तरीके से हमें मिला देना है। इसके बाद हमें यहाँ से कट कर लेना है, ये देखिए इस प्रकार से कट हो गया। ये हमें रिजेक्ट है, ये हमें कोई काम नहीं आने वाला, ये भाग है वो काम आने वाला है, इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा लिया था, तो थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हमें ऐसे कट कर लेना है। इस प्रकार से ये हमारे दो भाग, ये दोनों कांतली के ऊपर, जो कांतली के दोनों बाजू है उसके ऊपर है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से बीच से कट कर देना है। अब हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है, ये जो पेपर फिजिंग है, इसको हमें सिंपली जो कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसके ऊपर हमें ऐसे अटैच करना पड़ेगा। आप चाहे तो प्रेस से भी जमा सकते हैं और चाहे तो सिलाई लगा के जमा सकते हैं, मैं डायरेक्ट सिलाई लगा के जमाऊंगा। उसको हम यहाँ पे ऐसे अटैच करेंगे, यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है, तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये मैंने सिलाई को लगा दिया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे कपड़े को कट कर देना है, ये देखिए इस प्रकार से ये हमने कपड़े को कट कर दिया। अब हमें यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमें फोल्ड कर देना है। प्रकार से ये हमने फोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे बीच सेंटर में ऐसे निशान लगा देना है, हमें डायरेक्ट ही बाजू पे अटैच करना होगा, तो आप चाहे तो यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं चौक की मदद से। तो ये हमारा बीच सेंटर हो गया। अब हमें जो बाजू पे डिजाइन बनानी है वो बाजू को लेना है, तो ये हमारी बाजू है, इस पर हमें डिजाइन बनानी है। स्किप से पहले क्या करना है, यहाँ पे बीच पे निशान लगा देना है इस तरीके से, आप चाहे तो चौक से भी यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, आगे से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है, लगभग 1 इंच यहाँ पे जो फ्रिल लगेगी इसके अकॉर्डिंग हमें मार्जिन और यहाँ पे छोड़ देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐसे रख देना है, यहाँ तक ये जॉइंट होगा वहाँ तक हमें ये यहाँ पर ऐसे मिला देना है इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है, ये देखिए इस प्रकार से हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पे किनारी से सिलाई लगा देनी है चारों तरफ, कुछ इस प्रकार से।
इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई को लगा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे कट लगा देना है, ये देखिए। इसके बाद में इसका मार्जिन है उसको हमें कट कर देना है। और यहाँ पे कट लगा देना है, नहीं तो ये फोल्ड नहीं होगा, ये देखिए। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसे नाखून लगा देंगे तो ये अच्छे से ये फोल्ड होगा, ये देखिए। सिंपल इस तरीके से रख के और यहाँ पे ऐसे नाखून लगा देना, ये देखिए। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है अच्छे से ऐसे, पीछे की तरफ हमें ऐसे फोल्ड कर दे। आप चाहे तो प्रेस से अच्छे से जमा सकते हैं पहले। इस प्रकार से ये हमारा जम चुका। अब हम क्या करना है, एक कपड़ा और लेना है, उससे हमें पट्टी बनानी पड़ेगी। जो हम इसके अंदर ये डोरी डालेंगे वो हमें पट्टी बनाने, पट्टी बनाने के लिए ये सिंपली हमें इस प्रकार से 1.5 या 2 इंच आप कपड़ा चौड़ा ले सकते हैं और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे मार्जिन लगभग 1/2 इंच से आधा कर देना है, यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। दो अलग ले लेना है क्योंकि दो बाजू के लिए हो जाएगा, कम पड़े तो और ले सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने सिलाई लगा दी है। और ज़्यादा मार्जिन हो तो आप कट भी कर सकते हैं। इसके बाद में हमें ताड़ी की मदद से हमें यहाँ पे, लोहे की ताड़ी हो तो आप या साइकिल की ताड़ी हो उससे आप हमें इसको ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें इसको ऐसे अंदर डालना है और ऐसे प्रेस करना है, ये देखिए। बहुत आसानी से आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने पट्टी बना दी है। इसी तरीके से ये मैंने 2 पट्टियाँ बना दी है। इसके बाद हमें क्या करना है, लगभग 1 या 1.25 इंच की हमें कट कर लेनी है, ये देखिए। और आप चाहे तो इसमें मैचिंग का जो गुणा लगा रहे हैं उसके जैसे भी आप ये जो डोरी है वो लगा सकते हैं। इसके बाद में जो आगे की तरफ लटकन लगाएंगे वो भी आप इस कपड़े की लगा देने सेम मैचिंग की, और ये जो फ्रिल है वो भी आप जो गुणा लगा रहे हैं उसके मैचिंग लगा सकते हैं। परंतु इसमें मुझे क्या है कि गोल्डन का गुणा लगाना पड़ा, इस कारण से ये मुझे पूरा एक जैसा करना, गोल्डन गुणा होता है वो चुभने लग जाता है, इस कारण से ये मैंने ये फ्रिल वगैरह नहीं लगाई डोरी वगैरह। तो आप का जो गुणा लगा रहे उस तरीके का आप डोरी है या कोई लटकन आप लगा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ पे हमें निशान लगाना है। निशान हमें 1-1 इंच पे छोड़ के निशान लगा देना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 इंच टेप रखना है और यहाँ से 1 इंच की दूरी में दूसरा 2 इंच हो गया, 3 इंच यानी 1-1 इंच दूरी की में हमें निशान लगाना है, ये देखिए। इस गोलाई में निशान लगा देना है, ये देखिए। इस प्रकार से हमें दूसरी साइड में भी हमें निशान लगा देना है, ये देखिए। इस प्रकार से ये हमारे दोनों साइड में निशान लग चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें मशीन को ऐसे यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे मशीन को चलाते हुए और ये जो हमारी डोरी है इसके अंदर ऐसे डाल देना है, ये देखिए। थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखाना है जो हम लटन इसके अंदर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग, ये देखिए। इस प्रकार से
इस प्रकार से हमें यहाँ पे सिले लगा देनी। इस प्रकार से हमें यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है। तो ये हमारे सभी डोरिया अटैच हो चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ पे फ्रिल लगा देंगे और बाद में हम यहाँ पे डोरी अंदर डाल देंगे। तो पहले हम फ्रिल लगा देते हैं। फ्रिल लगाने के लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार से पहले फ्रिल तैयार करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें ये जो कपड़ा लिया हमने, वो कपड़ा है छोटा 2.5 इंच, 2.5 इंच का कपड़ा ले लेना है। इसके बाद में ऐसे सीधा भागपुर की साइड में और ऐसे। इसके बाद हमें क्या करना है, आप चाहे तो सुई ले सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से हमें सलवटें लगानी है। इसे डबल रखना है। इस प्रकार से हमें बना देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना है। जहाँ पे हम सिले लगे वो उस साइड में हमें सिले लगानी है, नहीं तो बाहर देखिए सिले आपकी। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लगा दी है। इसके बाद हमें, आप चाहे तो इसके अंदर ओवरलॉक कर सकते हैं। ओवरलॉक करके हम यहाँ पे ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। तो मैं इसमें ओवरलॉक कर लेता हूँ, इसके बाद सिलाई लगाऊंगा। तो इस प्रकार से ये हमने ओवरलॉक कर दिया है। आप चाहे तो इसके अंदर फोल्डिंग भी कर सकते हैं, मैंने इसको ओवरलॉक कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देनी है। चाहे तो आगे की तरफ मगजी भी लगा सकते हैं, परंतु मुझे कस्टमर का बोला है कि आगे की तरफ फ्रिल लगानी है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको बहुत ही सुंदर लगेगी इस प्रकार के डिजाइन। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी डोरी है, इसको हमें इसके अंदर डालना पड़ेगा। इसके अंदर डालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इसके बाद इसमें 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 इस तरीके से डालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारी तार है इसकी मदद से पहले इसके अंदर डालना है। ये देखिए, ये डल गया। इसके बाद में इसके अंदर डालना है हमें, एक एक छोड़ के हमें डालना है। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमने डाल दिया। इसके बाद में ये छोड़ के एक और हमें डालना है इसके अंदर। तो ऐसे इसे फैला देना है, बाद में हमें इसके अंदर डालना है। ये देखिए, और एक छोड़ के इसमें अंदर डाल देते हैं। हमने इसको अंदर डाल दिया, अब हमें इसके अंदर डालना है। दूसरी साइड का है वो, एक छोड़ के यहाँ पे हो गया। सिंपली हमें इस तरीके से इसे इसके अंदर डाल देना। ये देखिए, हो गया। अब हमें ये दूसरी साइड में इसे डाल देना है। देखिए इसी तरीके से, अब हमें यहाँ पर दूसरी साइड आ गई। इस प्रकार से ये हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। ये हमारा लास्ट वाला हो गया। ये देखिए, इस प्रकार से ये हमने डाल दिया है। अब हमें इसको ऐसे खींच के अच्छे से एडजस्ट कर देना है सभी को। ऐसे लूजिंग दे देना है ताकि ये अपना स्थान ले ले। तो ये देख सकते हैं, इस प्रकार से ये हमारी डिजाइन बन चुकी है। अब हम क्या करना है, यहाँ पे ऐसे गांठ लगा देनी है। इसके बाद हमें वापिस इस तरीके से गांठ लगा देनी है। ये थोड़ी डोरी थोड़ी
कम है, आपको थोड़ी लंबी लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे लटकन लगा देनी है, वहाँ पे सिंपली इस तरीके से ऐसे कपड़े को करना है रेपी में। इसके बाद यहाँ पे इस भाग को ऐसे ले लें, इस प्रकार से हमें यहाँ पे ऐसे कट कर लेना है। इसके बाद में वापस इस तरीके से फोल्ड कर देना। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारी डिजाइन बनी है। इस तरीके से आप आसानी से डिजाइन को बना सकते हैं। ये मैंने जो डोरी लगाई, ये आपको जो गुणा लगा रहे उस गुणे की लगानी है, और फ्रिल भी आप गुणे वाली लगानी है, ये हमें ध्यान रखनी है। और आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे पाइपिंग भी लगा सकते हैं, परंतु ये मुझे क्या कि इसमें गोल्डन गुणा लगाना था, इस कारण से ये मैंने सेम मैचिंग के कपड़े का लगाया है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कांचली की बाजू डिजाइन बना सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।